बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन किचन एंड ब्लॉग्स। में आज की रेसिपी आके है पंड मिर्ची का अचार। ये देखिए पंड मिर्ची माशाल्लाह एकदम फ्रेश, अच्छी बड़ी बड़ी सी है। पंड मिर्ची का सीज़न चल रहा है इसलिए मैं पंड मिर्ची का अचार डाल रही हूँ। ये देखिए ये पंड मिर्ची, 1 किलो पंड मिर्ची है ये पकी हुई मिर्ची। और ये 200 ग्राम इमली है, 100 ग्राम लहसुन है और टेस्ट के हिसाब से नमक है, और 2 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी। और जैसे ये बघार के लिए है, राई, ज़ीरा, लहसुन, कड़ी पत्ता, चने की दाल है, इसको बाजू रख देंगे। सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। ये देखिए मिर्ची को इस तरीके से पीसेस कट करेंगे, छोटे छोटे से। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से सारे मिर्ची ऐसे ही कट करेंगे। ये देखिए ये सारे इस तरीके से कट करके मिलती हूँ आपसे। ये देखिए मिर्ची को इस तरीके से कट कर लीजिए सारी मिर्ची को। मिर्ची को मार्केट से लाने के बाद इसको अच्छे से पानी से धो लीजिए। धोने के बाद, कपड़े से पोंछने के बाद इसके डंडियाँ निकालिए। पहले डंडियाँ निकालेंगे तो पानी अंदर चले जाता, मिर्ची ख़राब हो जाती है, अचार भी ख़राब हो जाएगा। ला के अच्छे साफ धो के कपड़े से अच्छा सूखा पोंछ के और हल्की सी धूप में इसको डाल दीजिए। डालने के बाद, पूरा ड्राई होने के बाद इस तरीके से कटिंग कर लेना है इसको, अचार अच्छा ज़्यादा दिन टिकता। आप लोग भी ऐसे ही करिए, पहले से ही डंडियाँ मत निकालिए। देखिए इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करने के बाद अब इस तरीके से एक मिक्सर जार ले लीजिए छोटा सा। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी थोड़ी करते हुए पीसेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली, और नमक, और इसी तरीके से थोड़ा सा लहसुन डाल के इसको दरदरा सा पीसेंगे। ये देखिए मैं पीस के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरीके से पीस लीजिए। ये देखिए एकदम से दरदरा सा है। इसको इस तरीके से पीस के एक कंटेनर में उठा के रख लेंगे इसको, तब भी बगाना हो निकाल के फिर पेस्ट अच्छे से करके मिक्सी में बगार लेंगे। और ये बाकी का जो है एकदम पेस्ट कर चुकी हूँ मिर्ची के अचार। अब ये बगार लेंगे, वो उठा के रख देंगे। और इसमें मेथी और राई का पाउडर 1-2 चम्मच ऐड करती हूँ और इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब बगाने की तैयारी करेंगे। चलिए देखिए तेल गरम होने रख चुकी हूँ। ये बघार के लिए लहसुन, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और चने की दाल और राई, चलिए एक एक करके तेल में ऐड करते हैं। और कड़ी पत्ता, देखिए इस बघार को अच्छे से होने देंगे। सिंपल और इजी मिर्ची का अचार है ये, झटपट बनने वाला। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए मेरे बताए हुए तरीके से।
फटाफट बनता है अचार में और टेस्ट भी अच्छा रहता है मिर्ची का अचार। चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए और बेल की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए। देखिए हमारा बघार हो चुका है, इस तरीके से बघार को इसका अचार को तेल में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अचार को। देखिए मीडियम फ्लेम में रख के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार को पीस के फ्रिज में रख लीजिए कंटेनर में डाल के, जब भी खाना हो निकाल के थोड़ा थोड़ा करके बघार लेंगे इसको। और मैं जितना पीसी हूँ उसमें आधा बघार चुकी हूँ, आधा रख ले चुकी हूँ, मैं फ्रिज में रखूँगी वो बाकी का। देखिए हमारा बघार हो चुका है, अब इसको डिश आउट कर लेंगे इसको। ये देखिए हमारा पांडू मिर्ची का अचार बनके तैयार है, माशाल्लाह एकदम ज़बरदस्त बना है अचार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए अचार को। थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कैसा बना है। बिस्मिल्लाह, एक नंबर बना है अचार माशाल्लाह मिर्ची का अचार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे बताए हुए तरीके से, एकदम सिंपल अचार है ये बनाने के लिए। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा अचार बनाने के लिए, खाने में भी एकदम टेस्ट रहता, गरम गरम खाने में थोड़ा सा घी डाल के अचार डाल के खाएंगे तो एकदम रहेगा। और मेरा पांडू मिर्ची का अचार पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए और ऑल ऑप्शन को भी क्लिक कीजिए। मेरा आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाएगा। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी।